नमस्कार, मध्याह्न ओडिशा को स्वागत करुछि मु जोगमाया। संपूर्ण खबर को आसिबा। राफेल दुर्नीति नै पूर्ण थरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ऊपर वर्षिछंती कांग्रेस सभापति राहुल गांधी। सांबादिक सम्मेलन में राहुल कहिछंती दस्तावेज चोरी सूचाउछि जे आमर अभियोग सत, डील रे बारी हेउछि प्रधानमंत्री कार्यालय हस्तक्षेप रहिछि। दुर्नीति रे सीधासळख पीएमओ रो हात थिबा राहुल अभियोग करिछंती। दोषी अधिकारी विरोध में प्रधानमंत्री काहेकि तदंत कराउ नाहंती बोली कहिछंती राहुल। राफेल रो प्रकृत दाम गायब हो जाइछि, डीलर बाइपास सर्जरी होई। गोवा मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर पाखरे थिबा फाइल रो तदंत हेउ। राफेल डील रे प्रधानमंत्री जांच हेबा सहित जेपीसी तदंत काहेकि सरकार कराउ नाहंती बोली राहुल अभियोग करिछंती। मोदी सरकार रे सबु गायब हो जाउछि, केवल फाइल नुहे सबु गायब हो जाउछि। गतकाली राफेल दुर्नीति नै सुप्रीम कोर्ट रे सुनाणी बेले अटर्नी जनरल कहिथिले जे राफेल डील रो गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र चोरी हो जाइछि। सीबीआई तदंत हेले देशर हेबो क्षति। एथिसहित केन्द्र रो आभिमुख्य रे कोर्ट कड़ा आपत्ति प्रकाश कर सेबड़े। राहुल को अभियोग उपरे प्रतिक्रिया रखी बीजेपी। राहुल मिछो कहुतबा दल पक्ष राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई, मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज सच्चे हैं, ये झूठे तो नहीं है। आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, सही बात है ना? तो आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये कागज सही है। कागज में साफ लिखा है नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था। कागज में साफ लिखा है कि प्राइस बढ़ाई गई है, और किसी एक व्यक्ति ने नहीं, सब लोगों ने कहा है, नेगोशिएशन टीम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है प्रधानमंत्री ने मुझे सीधा कह दिया कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। तो आप बताइए, आप कार्रवाई कीजिए, कागजों पे कार्रवाई कीजिए, मगर इन पे भी तो कीजिए जिनका नाम कागज में आ रहा है। कन्विंस ना कर सको तो कंफ्यूज करो, और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत काम कर रही है। इसलिए जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कंफ्यूजन क्रिएट करो, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर कन्फ्यूजन क्रिएट करो, देश की सुरक्षा और देश के सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम पर कन्फ्यूजन क्रिएट करो। तो इसलिए इनको लगता है कि ये जो इनकी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये काम करेगी, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गया है। राफेल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा वायुसेना मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया, सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते, तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? तो राहुल गांधी जी, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट आपको खुद लाना पड़ेगा, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल पाकिस्तान में ही राहुल गांधी की चर्चा अधिक हो रही है और उनकी पार्टी के नेताओं की। ये बिल्कुल बेबुनियाद शर्मिंदगी भरा आरोप है। राहुल गांधी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री बीके सिंह। सर, लगातार जिस तरीके से एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे जा रहे हैं, आज राहुल गांधी ने भी कह दिया कि कई लोग सबूत मांग रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, मेरे को उनकी बात पर टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस और उनकी पार्टी के लोग सबूत मांगते हैं, आपको लगता है कि सेना के पराक्रम पर सबूत मांगे जाने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों की मानसिकता यही होती है और उनको और कुछ काम करने के लिए है नहीं, तो यही काम करेंगे। सर, एक सवाल और। राहुल गांधी ने आज कहा कि आपकी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर बड़ी ढूलमूल है, आप लोग एक बार उन पे अटैक की बात करते हैं फिर आप लोग फ्रेंडशिप भी करते हैं। ऐसा है, राहुल गांधी जी को चाहिए कि हमारे विदेश पॉलिसी को दोबारा पढ़ लें। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में किया है, अगर उनकी याददाश्त राहुल जी की खराब हो गई है, उसको दोबारा किसी से पूछ लें कि क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो हमारी पॉलिसी क्लियर हो जाएगी। ये थे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।
प्रकाश पाई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट एथिरे ब्रह्मपुर ओडिशार स्वच्छ सहर बोली दर्शा जाइछि। तालिकारे 216 रैंक रे अछि ब्रह्मपुर, सेबरे 288 रे रहिछि भुवनेश्वर, 305 रु 216 रैंक को उठिछि ब्रह्मपुर, सेपटे 245 रु 288 रैंक को खसिछि भुवनेश्वर। भुवनेश्वर तळकु बालेश्वर, बारिपदा ओ संबलपुर रहिछि। स्वच्छतारे इंदौर देशरे पुणि एक नंबर रे अछि।